मॉर्निंग बच्चे, आज आपकी क्लास में सेवेंथ क्लास क्लास सेवन संस्कृत के क्लास में पार्ट फोर आपको बताया जाएगा। पार्ट फोर में पार्ट फोर है क्या, तो पार्ट फोर एक कहानी है। कहानी का नाम है गृध मालजाल कथा। गृध जिसको गिद्ध कहते हैं, मालजाल जिसको कहते हैं बिलाव या बिलाड़ जिसको कहते हैं, और कथा किस कहानी हो। अब ये कहानी तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो कहानी में ये गिद्ध और बिलाय की कहानी है। कथा की कहानी कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहानी में कुछ कठिन शब्दों का समावेश, कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों को सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि वो कठिन शब्द का मीनिंग क्या होता है। जब कहानी बताने शुरू करेंगे तो कठिन शब्द हम बोलते जाएं बोलेंगे उस समय आपको पता नहीं चल पाएगा। तो शब्दार्थ में गृध मालजाल कथा, गृध में जो था गिद्ध, मालजाल में जो था बिल्ली या बिलाव, बिल्ली स्त्रीलिंग है, बिलाव जो है पुल्लिंग है, और कथा में कहानी बिल्ला बिलाव और गिद्ध की कहानी। सालमली वृक्ष, सालमली में जो था सेमल का रुई जो है हम लोग तकिया पहले बनाते थे, तो सेमल का वृक्ष होता है। सेमल का रुई जो है, रुई तो आर्टिफिशियल भी आते हैं कॉटन, नेचुरल कॉटन भी आते हैं, तो सेमल का जो पेड़ होता है जिसमें रुई का पौधा, रुई के पौधे को सेमल वृक्ष कहा जाता है। स्वाहा, स्वा मीन्स होता है अपना खुद का, आहार मीन्स होता है भोजन। हम लोग जब भी कुछ खाते हैं, रोटी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, पराठा खाते हैं, भुजिया खाते हैं, वो आहार होता है। स्वाहारात, स्वाहारात का मतलब हुआ अपने भोजन से। कोई आप खाना खा रहे हैं और कोई व्यक्ति आ जाता है तो आप उसको कहते हैं कि खाओ खाओ ना यार खाओ ना, तो अपने भोजन से उसे अपने निकाल करके दे देते हैं या करके थाली बढ़ा देते हैं कि लो इतना चार को दो बिस्कुट तू भी खाओ। यच्छन्ति अस्मा, यच्छन्ति अस्मा देते थे। अस्मा का अलग आती है जब भूत का यानी लंग लकार में, जब आगे का क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भूत का अस्मा लगा करके भी बनाया जाता है। यच्छन्ति अस्मा देते थे। सो अपि, सो अपि में सह जोड़ अपि, सो अपि होता है विसर्ग संधि है, तो स्वपि वह भी। तत्रागतवान, तत्रागतवान तत्र जोड़ आगतवान, तत्र में स्वहा होता है, अत्र में स्या होता है, तत्रागतवान वहां आया। कोलाहलम, घर में कोई बात कोई मन विचार नहीं मिलता है, पशु पक्षी पाल रखा है, कोई दूसरे जीव जंतु से परेशान करता है तो वो चाव 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 करने लगता है, कोलाहल करता है, शोर मचाता है, हल्ला होने लगता है, तो कोलाहल शोरगुल। कृतवंतम, कृतवंत, कृतवंतम होता है किया। पृष्ठमान, पृष्ठ पृष्ठ में होता है पूछना। पृष्ठम, पृष्ठम नपुंसक लिंग है और इसका मतलब होता है पीठ, लेकिन पृष्ठ, पृष्ठ में होता है पूछना, पूछा। अहिंसा प्रथम, अहिंसा आम मीन्स नहीं और हिंसा मीन्स किसी को मारना। अहिंसा प्रथम, प्रथम मीन्स होता है संकल्प लेना, कहता अहिंसा का संकल्प लिया। अतीवा, अतीवा मीन्स का अति जोड़े वा, अतीवा होता है, आपने क्लास सिक्स में संधि पढ़ा, संधि नहीं पढ़ा है इस क्लास में ही पढ़ना है, तो प्रीवियस चैप्टर में आगे का चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अतीवा, अतीवा मीन्स होता है बहुत अधिक,
मनसी, मनसी मीन्स क्या होता है, मन में, मनसी मन में जाता है, जाता मीन्स होता है जागना, जन्म, जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेता है मर जाता है फिर जन्म लेता है फिर मर जाता है तो जन्म। कोटरम, कोटरम मीन्स होता है खोड़, खोह जिसको कहते हैं, कहाँ रहता है, पहाड़ में क्या, नहीं पेड़ों के खोड़ में रहता है। पेड़ में क्या होते हैं, पेड़ के जो स्टेम तना होते हैं, तने में जो है छेद जैसा हो जाता है, उसी में पशु, उसी में जो है पक्षियों को, पक्षी जो है अपना घर बनाती है, बनाते हैं। नित्वा, नित्वा मीन्स क्या होता है, नित्वा मीन्स होता है लेकर। इता अस्तता, इता अस्तता का मतलब होता है इधर और उधर। अन्वेषणम, अन्वेषण मीन्स होता है खोज करना, पता लगाना। अज्ञात कुलशीलस्य, अज्ञात मीन्स होता है बिना जाना हुआ वंश, अनजान। और कुल मीन्स होता है अज्ञात कुलशीलस्य, शीला मीन्स होता है स्वभाव, जिसका स्वभाव का पता नहीं होना चाहिए उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। एक कोई चोर आपके पास आता है रात में और कहता है कि भाई बहुत परेशान है, हमें रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं है, तो कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, आप लोगों मनुष्य में दया की भाव रहती है, आपने दया की भाव आई और आप उस आदमी को रख लिया अपने घर में कि खाओ पियो रहो इस कमरे में, जब आप सब सो गए तो वो सारा सामान लेकर के कीमती सामान आपके यहाँ जो है सब लेके निकल गया। क्यों? क्योंकि आप उसके कुल और स्वभाव को पता नहीं कर पाए थे, वो कौन सा है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, क्यों आया है, क्या उसका स्वभाव है, आपने उसको निवास से निवास करने के लिए दे दिया अपने घर में रहने के लिए। कथा कस्बासो देयो न, बासो मीन्स होता है बास, आश्रय, आश्रय नहीं देना चाहिए। देयो मीन्स देना, न मीन्स नहीं, कश्चित मीन्स होता है किसी। तो ये जो इतने वर्डमीनिंग हमने बताया आपको, ये बुक में आप जब खोल रखा होगा, खोल रहे खोले हुए हैं, तो उस बुक में ये सब वर्डमीनिंग जो आपको नया वर्डमीनिंग दिख रहा है। अब इसमें ठीक इसी में कहा जाता है कि हर चीजों में बिना ग्रामर का कोई भी साहित्य नहीं होता, या तो हिंदी ग्रामर हो या अंग्रेजी ग्रामर हो या फिर संस्कृत का व्याकरण हो। आधार पर कहता संधि, हम लोगों ने पढ़ा था संधि जी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार क्या होता है, हाथ तो हमारा है लेकिन कोई एक जख्म हो जाता है, ऐसे हाथ कट जाता है तो खून निकलता है, लेकिन कुछ उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया वायरस पड़ जाता है तो उसमें जख्म जैसा होकर रीम निकलता है, पीला पीला जैसा विकार हो गया। अब वो ठीक कैसे होगा, तो दवाई खाएंगे। तो कहता दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जुड़ जाना। दो माँ बेटे में झगड़े हो सकते हैं, भाई भाई में होते हैं, लेकिन हम लोग आपस में मिल जाते हैं, तो संधि का मतलब होता है जुड़ जाना। अब यहाँ पर कहता है विसर्ग, तीन तरह का संधि होता है, स्वर संधि, स्वर संधि, हर्ष संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि स्वर या व्यंजन वर्णों के, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन वर्णों के जो संयोग होता है, स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, जब दोनों आपस में मिलता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसको कहते हैं, कि स्वर या व्यंजन वर्णों के संयोग से, संयोग का मतलब तो मिल जाना, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है
विसर्ग में जो विसर्ग विकार होगा उसे हम विसर्ग शब्द कहते हैं। जैसे स जोड़ अब तक, स जोड़ अब तक, विसर्ग और अब मिलकर के क्या बना, ओकार बन गया, ओकार बन गया। उसके बाद इसमें पाठ में हम लोग को आया है कत्वतु परतः। कत्वतु क्या होता है आप पूछना चाहेंगे, क्योंकि सिक्स में तो आपको पता नहीं होगा, पढ़ना था नहीं, तो सेवंथ में पढ़ना है। कत्वतु परतः क्या होता है कि भूतकाल की क्रियाओं में, भूतकाल के धातु पद में हम कत्वतु परतः जोड़ करके भूतकाल बनाते हैं। भूतकाल पहले हम लोग लंग लकार में उसका नियम था, अब अताम और अन। उसके बाद दूसरा नियम आया कि भूतकाल में हम अस्मह जोड़ करके, यानी वर्तमान काल की क्रिया में अस्मह जोड़ करके भूतकाल बनाते हैं। और तीसरा आज अभी आज पे सेवंथ क्लास में आपके क्लास में तीसरा नियम आ रहा है कि भूतकाल की क्रिया में जब हम कत्वतु परतः को जोड़ते हैं तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। तथा लिंग और वचन, तीन लिंग था जी, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीन वचन भी था, एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। तीन लिंग, पुलिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग